नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। EPS 95 पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कर्मचारियों ने केरला हाईकोर्ट में EPFO के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर केरला हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें उच्च पेंशन और आखिरी महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन की गणना का आदेश यानी EPFO यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जहाँ EPFO ने यह कहकर पुनर्विचार याचिका दायर की है EPFO के पास फंड की कमी है, उसी को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC की ओर से 21 अगस्त को वर्तमान संसाधनों में ही किस तरह से पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता और उच्च पेंशन का लाभ दिया जा सकता है, ये पूरा फार्मूला माननीय श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री व सभी CBT मेंबर्स को एक प्रपत्र के माध्यम से बताया गया है, जिस पर विचार करने के लिए समिति ने एक महीने का समय भी दिया है। और इसके बाद यदि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें जरूर मानी जाएगी, लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों को उस पेंशन देने के फैसले पर EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए EPFO की याचिका को खारिज कर दिया है और EPS 95 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार 1 अगस्त 2020 को पेंशन धारकों के हित में फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ देने के लिए कहा है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले अगला लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।